Hi friend, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn how to use nothing less than. Friends, comment box में कई लोग पूछते हैं कि nothing less का क्या use है और इसे हम कैसे use करें. बहुत आसान concept है, आइए इस concept को clear करते हैं. Friends, nothing less than का meaning से कम नहीं के लिए होता है. Friends, nothing less than का use हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कोई एक noun दूसरे नाउन से कम नहीं है. यानी हकीकत में पहला नाउन वो दूसरा नाउन तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है. जैसे अगर आपको कहना हो कि तुम एक डॉक्टर से कम नहीं हो, बातों से पता चला कि हकीकत में आप एक डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटी है वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है. तो फ्रेंड्स, जब आपको ऐसा कहना हो कि कोई एक नाउन दूसरा नाउन नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है, यानी उसकी क्वालिटी उस नाउन के बराबर है, तो आप इस केस में नथिंग लेस देन का यूज करेंगे. जैसे ही इज नथिंग लेस देन अ डॉक्टर, इसका मतलब हुआ वह एक डॉक्टर से कम नहीं है. मतलब हकीकत में वह एक डॉक्टर नहीं है लेकिन उसके अंदर जो खूबी है या जो क्वालिटी है वो एक डॉक्टर से कम भी नहीं है. You are nothing less than a killer. तो इसका मतलब होता है तुम एक खूनी से कम नहीं हो, यानी हकीकतन तुम एक खूनी नहीं हो लेकिन जो तुम्हारा काम है वह एक खूनी जैसा ही है, यानी तुम्हारे अंदर जो खूबी है वह एक खूनी से कम नहीं है. तुम्हारे अंदर वही खूबी है जो एक खूनी के अंदर होती है. This is nothing less than a miracle. इसका मीनिंग हुआ यह एक अजूबा से कम नहीं है. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि जब आपको कहना हो कि कोई एक नाउन एक्चुअल में यानी हकीकत में वो दूसरा नाउन नहीं है लेकिन उसके जैसा ही है. जैसे अगर आपको कहना है फ्रेंड्स, आप एक इंजीनियर से कम नहीं है, यानी हकीकत में आप एक इंजीनियर नहीं है लेकिन आपके अंदर जो खूबी है वो किसी इंजीनियर से कम नहीं है. आप कहेंगे यू आर नथिंग लेस देन एन इंजीनियर. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो यह पाप से कम नहीं है या यह गुनाह से कम नहीं है, आप कहेंगे दिस इज नथिंग लेस देन अ क्राइम. फ्रेंड्स, अगर लिखा हो इट इज नथिंग लेस देन एन अपॉर्चुनिटी टू सेव द वर्ल्ड, तो इसका मतलब हुआ दुनिया को बचाने के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है या यह एक सुनहरा मौका से कम नहीं है. The change in Bob's nature had been nothing less than a miracle. Bob के मिजाज में बदलाव यह किसी अजूबा से कम नहीं हुआ था या यह किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ था. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया कि हम नथिंग लेस देन के यूज तब करेंगे जब हमको कहना हो कि कोई एक नाउन दूसरे के जैसा ही है या कोई एक नाउन दूसरे नाउन से कम नहीं है. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मेरे लफ्ज मोतियों से कम नहीं है, तो आप कहेंगे माई वर्ड्स आर नथिंग लेस देन पर्ल्स. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा. फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके डाउट्स पर वीडियो जरूर बनाऊंगा. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय. आइए फ्रेंड्स अब एट, इन और आन का यूज टाइम के सेंस में देखें. बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा केयर करिए आपको पूरा समझ में आएगा. फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं मैंने एट, इन और आन का यूज लिखा है. एट का यूज प्रिसाइज टाइम के लिए किया जाता है, यानी सटीक टाइम के लिए किया जाता है. इसे ऐसे भी कहा जा सकता है एट इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज ऑफ टाइम. आप यहां एग्जाम्पल देखिए एट 3 o'clock, 3 बजे, यानी यहां ठीक वक्त बताया जा रहा है या सटीक वक्त बताया जा रहा है. एट 10 a.m. यहां 10 a.m. से एक ठीक समय बताया गया, यानी एक सटीक वक्त बतलाया गया. एट नून दोपहर में या दोपहर को. एट डिनर टाइम मतलब रात के खाने के वक्त, बिल्कुल सटीक टाइम बताया जा रहा
कि रात के खाने के वक्त। तो फ्रेंड्स, समय के सेंस में एट का यूज प्रिसाइज ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी ठीक वक्त बतलाने के लिए किया जाता है, एग्जैक्ट समय बताने के लिए किया जाता है। आइए अब इनके बारे में देखते हैं कि टाइम के सेंस में इनका कब यूज किया जाता है। इनका यूज महीना, साल, शताब्दी और एक लंबे वक्त के लिए किया जाता है। इन में, मई के महीने में, इन समा गर्मी के मौसम में या गर्मी के दिनों में, इन 1947 1947 में, इन द पास्ट यानी गुजरे हुए समय में, इन द फ्यूचर आने वाले वक्त में। तो समय के सेंस में इनका यूज महीना, साल, शताब्दी या लॉन्ग पीरियड्स बतलाने के लिए किया जाता है। आइए अब वक्त के सेंस में ऑन का यूज देखते हैं। ऑन का यूज डेज और डेट्स के साथ किया जाता है। दिन और दिनांक या दिन और तारीख के साथ किया जाता है, जैसे ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन 25th जनवरी 2017। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि टाइम के सेंस में एट, इन और ऑन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट में मैं आपसे कहूंगा मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ इनका यूज किया जाता है, लेकिन नाइट के पहले एट का यूज किया जाता है। आइए फ्रेंड्स अब एट, इन और ऑन का यूज प्लेस यानी जगह के सेंस में देखें कि जगह के सेंस में एट, इन और ऑन का क्या यूज है। आइए फ्रेंड्स देखें कि स्पेस के सेंस में यानी जगह के सेंस में एट, इन और ऑन का क्या यूज है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एट का यूज देखेंगे। एट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट। एट का यूज पॉइंट दिखलाने के लिए किया जाता है, यानी जब हम जगह की बात करें और जब हम किसी पॉइंट को बतलाएं तो हमें एट का यूज करना चाहिए, जैसे एट द कॉर्नर कोने में या कोने पे, एट द बस स्टॉप पे, एट द डोर दरवाजे पे, एट द टॉप ऑफ द पेज पेज के सबसे ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कॉर्नर या बस स्टॉप या डोर या फिर पेज के ऊपरी हिस्सा, इन सभी बातों से एक पॉइंट की बात की गई, इसीलिए इनके पहले एट का यूज हुआ। क्योंकि एट का यूज जगह के सेंस में तब करते हैं जब बात पॉइंट की हो। आइए देखें कि इनका यूज जगह के सेंस में कब किया जाता है। इन इज यूज्ड फॉर अ इनक्लोज्ड स्पेस, यानी इनका यूज एक बंद जगह के लिए किया जाता है। इन द गार्डन बगीचे में, इन दिल्ली दिल्ली में, इन इंडिया भारत में, इन अ बॉक्स किसी डब्बे में, इन माय पॉकेट मेरे जेब में, इन योर वैलेट आपके बटुए में, इन अ बिल्डिंग एक मंजिल में या एक भवन में, इन अ कार एक कार में। तो आपने देखा फ्रेंड्स, गार्डन, दिल्ली, इंडिया, बॉक्स, पॉकेट, वैलेट, इन सभी से एक बंद जगह का पता चला। तो हमने इसके पहले इन का यूज किया, क्योंकि जगह के सेंस में इन का यूज तब किया जाता है जब बात इनक्लोज्ड स्पेस की हो। आइए देखें फ्रेंड्स कि ऑन का यूज जगह के सेंस में कब किया जाता है। फ्रेंड्स, ऑन का यूज जगह के सेंस में तब किया जाता है जब बात सरफेस की हो, यानी बात समतल की हो, जैसे ऑन द वॉल दीवार पे, ऑन द सीलिंग छत पे, ऑन द फ्लोर फर्श पे, ऑन द कारपेट कारपेट पे, ऑन द मेनू सूची पे,
ऑन अ पेज पन्ने पर या किसी पेज पे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि वॉल, सीलिंग, कारपेट इन सभी चीजों से सरफेस का पता चला यानी समतल का पता चला और इसलिए इसके पहले आन का यूज हुआ। अगर मुझे कहना हो जमीन पे तो मैं कहूंगा ऑन द अर्थ। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि जगह के सेंस में आपको एट, इन और ऑन का यूज अच्छा से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।